प्रसिद्ध इतिहासकार तथा विद्वान सर वुल्सले हेग के अनुसार इस्लाम का इस पृथ्वी पर उदय होना कोई चमत्कार से कम नहीं। इसका कारण यह है कि इस्लाम के उदय होने के महज 100 सालों के भीतर ही इस्लाम का विस्तार प्रशांत महासागर से सिंध तक और कैस्पियन समुद्र से नील नदी तक हो गया था। इसी इस्लाम के विस्तार के दौरान जब उसने सिंध तक आकर हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दी, तब उसका मुखिया एक 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का नाम आते ही कई सवाल किताबों से उड़कर आंखों में जा चुपते हैं। जैसे, क्या सच में मोहम्मद बिन कासिम ही भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था? क्या सच में उससे पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं था? क्या उससे पहले किसी दूसरे मुस्लिम योद्धा ने भारत पर आक्रमण नहीं किया? क्या सच में उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के इरादे से ही सिंध पर चढ़ाई की थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबर की ही तरह हिंदुस्तान से ही किसी ने उसे आक्रमण करने का न्योता भेजा था? सबसे बड़ा सवाल तो ये उभर कर आता है कि इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए एक 17 साल के नौजवान और अनुभवहीन योद्धा पर क्यों भरोसा किया गया? इन सवालों के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेते ही कुछ और सवाल भी जुड़ जाते हैं। मसलन, 17 साल की उम्र में ही भारत पर आक्रमण करने वाला 20 साल की उम्र में ही कैसे मर गया? क्या इतने शूर नौजवान के मौत की कोई साजिश रची गई थी? आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सन 632 ईस्वी में पैगंबर की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रचार और प्रसार का काम खलीफों ने बखूबी संभाला। खास करके पहले 4 खलीफों ने, यानि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इन 4 खलीफों ने रेगिस्तानी देशों में काफ़ी हद तक इस्लाम को पहुंचाया। अरब और तुर्क तो पूरी तरह से इस्लाम का पालन करने वाले देश बने। लेकिन ये खलीफे सिर्फ धर्म प्रसार का काम नहीं करते। जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने सिर्फ भिक्षा मांगकर धर्म प्रसार किया था, बल्कि पूरी सैनिकी तैयारियों से ये उस प्रांत को जीतकर वहां जबरन इस्लाम स्वीकारने के लिए लोगों को मजबूर किया करते, और जो नहीं मानता उसकी मौत निश्चित थी। इसी धर्म प्रसार की मुहिम का हिस्सा था मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर चढ़ाई। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किन किन मुस्लिमों ने मोहम्मद बिन कासिम से पहले हिंदुस्तान के दरवाजे पर आकर दम तोड़ा। सन 636-37 में, यानी पैगंबर की मृत्यु के बाद, अरब से मुंबई के ठाणे को जीतने के लिए एक मुस्लिम नाविकों का अभियान भेजा गया, लेकिन निस्संदेह वह असफल हुआ। इसके बाद दूसरा प्रयास इसके ठीक 8 सालों बाद, यानी 644 में खलीफा उस्मान ने भेजा। इस अभियान में स्थल मार्ग से मकरान के तट से पश्चिमी सिंध में सेंध लगाने का प्रयास किया गया। इस अभियान का नेतृत्व अब्दुल्ला बिन उमर ने किया और उसने मकरान और सिंध दोनों के शासकों को हराया। लेकिन उसके बावजूद उसने दोनों प्रांतों को अपने राज्य में मिलाने की बजाय उल्टा खलीफा को ये संदेश भेजा कि इन प्रांतों में
पानी और फलों की बहुत किल्लत है, इसलिए ज़्यादा सैनिक ना भेजे जाए ताकि उनकी भूख से मौत ना हो। लेकिन इन संदेशों के बावजूद धर्म प्रसार का काम भला थमने वाला थोड़े ही था। इसके बाद सन 659-664 में भी सिंध जीतने के अभियान हुए, जो कुछ हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि मकरान अब अरबों के हाथ में था। इसके बाद सन 711 में भी उबैदुल्ला अपनी सेना लेकर तो आया, लेकिन कड़वे प्रतिकार से यही मारा गया। और इस तरह कई प्रयासों और अनुभवी सिपह सालारों को गंवाने के बाद खलीफों ने एक 17 साल के उम्दा, शूर और निहायती काबिल नौजवान पर भरोसा किया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को उसके साहस, वीरता और खलीफों के प्रति उसकी निष्ठा के लिए एक शहीद का दर्जा प्राप्त है, और यही कारण है कि पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम को पहले मुसलमान का दर्जा प्राप्त है। खैर, मोहम्मद बिन कासिम आया तब उसके साथ सीरिया और खलीफा के बेहतरीन अश्वारोही थे, 6,000 ऊंट सवार और 3,000 पशुओं पर युद्ध सामग्री का काफिला चल रहा था। इसके साथ ही मकरान, जो अरबों के ही हाथ में था, मोहम्मद बिन कासिम की मदद के लिए सामने आया। वहां के राज्यपाल ने कासिम को न सिर्फ सैनिक मुहैया कराए, बल्कि उस समय के आधुनिक युद्ध हथियारों से मोहम्मद बिन कासिम की सेना को लैस किया। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की सेना बढ़ते बढ़ते 50,000 को पार हो चली थी। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले कितने सफल और असफल प्रयास हुए, तथा अंत में किस तरह भारी भरकम सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम सिंध के मुहाने तक आ पहुँचा। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल पर कि वाकई क्या बाबर की तरह किसी ने खुद भारत पर आक्रमण करने का न्योता तो नहीं भेजा मोहम्मद कासिम को। इस सवाल के जड़ को इस तथ्य से धरातल का बल मिलता है कि ऐसा कहा जाता है कि लंका के राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसकी एवज में वो बड़ी बड़ी नावों में सैनिक, दास, रसद और मूल्यवान उपहार भर भर कर खलीफों को भेजा करता था। लेकिन इन नावों को सिंध के तट पर एक बार लूट लिया गया, जिस वजह से खलीफा ने सिंध पर चढ़ाई की। इसी सवाल का एक दूसरा आधार भी बताया जाता है। कहते हैं कि खलीफा ने अपने प्रतिनिधियों को भारत से दासियों और मौल्यवान वस्तुओं को लाने भारत भेजा, किंतु उन्हें देवल के पास समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। इस लूट से नाराज खलीफा ने देवल के राजा, राजा दाहिर से इस लूट का मुआवजा मांगा। राजा दाहिर ने साफ शब्दों में इनकार करते हुए कहा कि ये लुटेरे और ये लूट उनके अधिपत्य और नियंत्रण से बाहर है, अतएव वह कोई मुआवजा नहीं देगा। बस यह सुनना ही था कि खलीफा ने सैनिकी अभियान भेज दाहिर का खात्मा किया। इन दोनों तथ्यों की पुष्टि करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इनके स्रोत भरोसे के लायक नहीं। लेकिन हाँ, एक तथ्य जो सबसे पुख्ता दिखाई देता है वो यही है कि खलीफों के ये सैनिकी अभियान चौतरफा शुरू थे, और ये निश्चित रूप से धर्म प्रसार और धन दौलत की लूट के इरादे से ही हुए। तो आइए अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम किस मार्ग से कौन कौन से प्रांत जीतता हुआ सिंध में राजा दाहिर से टकराया। तो जैसा कि पहले बताया गया है, मकरान पहले से ही अरबों के कब्जे में था, तो मोहम्मद बिन कासिम
मकरान से पहले देबल की ओर मुड़ा। ईस्वी सन 712 में कासिम ने देबल के बंदरगाह को ऐन वर्षा ऋतु में ही घेर लिया। देबल राजा दाहिर के भतीजे के आधिपत्य में था। उसने वैसे तो बड़ा कड़ा संघर्ष किया, किंतु पूरे 3 दिन तक मोहम्मद बिन कासिम का नरसंहार चलता रहा। हिंदू और बौद्धों को जबरन धर्मांतर किया गया और जो काफिर ही बना रहा वो मारा गया। लगभग 700 बौद्ध भिक्खु सुंदरियों को दास बनाया गया और खलीफा को भेजा गया। मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें बनाई गई। इस लूट से मोहम्मद बिन कासिम को इतना धन मिला कि अब उसका आत्मविश्वास दोगुना बढ़ा और अब वो निरून की तरफ बढ़ा। यह नगर बौद्ध भिक्कुओं के आधिपत्य में था और उन्होंने अपने धार्मिक आचरण के अनुसार बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। निरून के बाद मोहम्मद कासिम सेहवान की तरफ बढ़ा। यहाँ राजा दाहिर का चचेरा भाई बजहरा शासन कर रहा था, लेकिन नरसंहार के भय से उसने जल्द ही आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम सिंध नदी के तट पर जा पहुंचा। अब उसका मुकाबला राजा दाहिर से होने वाला था। राजा दाहिर को यह यकीन था कि मोहम्मद बिन कासिम नदी को पार नहीं कर पाएगा, लेकिन तब वह अचंभित हो गया जब उसने देखा कि कासिम नावों का पुल बनाकर अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा था। दाहिर इतनी प्रचंड सेना का आक्रमण देख भयभीत हुआ और अपनी सेना के साथ रावर में जुड़ गया, जहां उसकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैनात थी। दाहिर हाथी पर बैठा, लेकिन हाथी इतना डरा हुआ था कि वह भागकर नदी में जा घुसा, लेकिन दाहिर फिर भी वापस आया और घोड़े पर सवार हुआ। लेकिन इस बीच दाहिर की सेना को यह गलतफहमी हो गई कि उसका नायक मर चुका है या युद्ध क्षेत्र से भाग गया है, और इसलिए दाहिर की सेना रणभूमि से भाग गई, लेकिन दाहिर युद्ध भूमि पर ही मारा गया। शत्रु के मारे जाने से मोहम्मद बिन कासिम खुश तो बहुत हुआ, लेकिन अभी राजा दाहिर की विधवा राणाबाई का पराक्रम बाकी था। दाहिर के शहीद होने के बाद राणाबाई ने 1500 सैनिकों के साथ रावण के किले से कासिम के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन 50,000 के पार की सेना से 1500 वीर कब तक लड़ते। लेकिन जब राणाबाई को जीत असंभव प्रतीत हुई, तब उसने धर्म और इज्जत के लिए जौहर कर दिया। इस जीत के बाद मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद की तरफ मुड़ा, जिसकी रक्षा दाहिर का बेटा जयसिंह कर रहा था। इस युद्ध में जयसिंह तो भाग गया, लेकिन कासिम ने दाहिर की दूसरी पत्नी रानी लाड़ी और उसके 2 बेटियों सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बनाया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अरोर और उसके बाद मुल्तान पर फतह पाई। मुल्तान पर फतह पाते ही वह पूरे सिंध का निर्विवादित बादशाह बना, और किसे पता था कि अब से लेकर आने वाले 150 सालों तक सिंध पर अरबों का ही राज रहने वाला था। तो दोस्तों, अब आते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल की ओर। 17 साल की उम्र में सिंध को जीतने वाले शूर नौजवान की मृत्यु 20 साल की उम्र में ही कैसे हो गई? क्या उसके पीछे कोई साजिश थी? तो जैसा कि हमें मालूम ही है कि इतिहास के हर प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ, या खास करके उसकी मृत्यु के साथ, रहस्य जुड़ा हुआ होता है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के साथ भी मतभेद और रहस्य जुड़े हुए हैं।
दो कहानियां हैं, उसमें से पहली कहानी यूँ है कि राजा दाहिर की दो बेटियां और रानी लाड़ी को मोहम्मद बिन कासिम ने दास बना लिया था, जिनमें से दोनों बेटियों यानी सूर्य देवी और परमल देवी को उसने खलीफा को भेंट कर दिया। दोनों बेटियां खलीफा के सामने खड़ी थी, लेकिन खलीफा को सूर्य देवी की खूबसूरती भा गई। उसने सूर्य देवी को चुना, लेकिन सूर्य देवी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही तेज दिमाग भी। उसने रास्ते में ही अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की ठान ली थी। उसने खलीफा को बताया कि अब वह खलीफा के लायक नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने उसे खलीफा के पास भेजने से पहले 3 दिन तक दासी बनाकर उपभोग किया है। खलीफा को यह बात इतनी कड़वी लगी कि उसने ताबड़तोब खुद अपने हाथों से ही यह फरमान लिख डाला कि जल्द से जल्द मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सील कर उसके सामने पेश किया जाए। मोहम्मद बिन कासिम तक जब यह संदेश पहुंचा, तब उसने बेझिझक अपने आप को बैल की खाल में सील दिया। सिली हुई खाल को खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा इस गुमान में रह गया कि उसकी आज्ञा का पालन उसका बड़े से बड़ा सरदार भी करता है। खाल से निकला मोहम्मद बिन कासिम का मरा हुआ मुंह देखकर सूर्य देवी बड़ी खुश हुई और अपनी जीत को जाहिर करते हुए उसने खलीफा को सब सच सच बताया। खलीफा अब गुस्से से तिलमिला गया और उसने आज्ञा दी कि दोनों बहनों को घोड़ों की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटा जाए जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब दूसरी कहानी बड़ी ही सरल है। खलीफा के दरबार में 2 गुट बन गए थे, जिनमें से 1 गुट हज्जाज का विरोधी गुट था। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का जमाई था, तो विरोधी गुट षड्यंत्र रचने में कामयाब हुआ और मोहम्मद बिन कासिम को कठोर मौत देने में भी सफल रहा। तो इस प्रकार एक 20 साल के नौजवान, जिसने बड़ा ही पराक्रम दिखाकर अपने धर्म का प्रसार किया था, उसकी निर्मम मृत्यु हो गई। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।